नमस्कार दोस्तों, मुस्कान भी क्या चीज होती है, गजब की चीज होती है। किसी की एक प्यारी सी स्माइल पूरा दिन बना देती है। आशिक तो अपनी माशूका के मुस्कान पर इस कदर फिदा होता है कि अपने कत्ल में भी उसे मजा आता है। मैं जीने की तमन्ना लेके जाता हूँ रोज उसके पास, वो रोज अपनी मुस्कुराहट से मेरा कत्ल कर जाती है। शायरों की दुनिया में मुस्कुराहट के साथ कत्ल भी जायज है। आने वाले दिनों में कुछ ऐसी ही छूट सियासतदानों को भी मिल सकती है। माजरा समझने से पहले भारतीय जनता पार्टी के इन दो युवा चेहरों पर अपनी नजरें इनायत कीजिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद प्रवेश वर्मा, मासूम चेहरा, दिलजीत लेने वाली मुस्कुराहट, लोगों की ऐसी ही मुस्कुराहट पर दिल्ली हाईकोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी आई है। बकौल दिल्ली हाईकोर्ट, हाईकोर्ट ने क्या कहा, अगर आप मुस्कुराकर कुछ कह रहे हैं तो वह अपराध नहीं है, अगर आप कुछ आक्रामक तरीके से कह रहे हैं तो वह जरूर अपराध है। मुस्कुराहट का यह मामला साल 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान का है। उस दौरान अनुराग ठाकुर ने एक जो रैली थी उसमें एक नारा लगाया था, देश के गद्दारों को। अनुराग ठाकुर ने जिस नारे का आगाज किया था उसे भीड़ ने आगे क्या कहा, गोली मारो डैश 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 को कहकर अंजाम तक पहुंचाया था। माफ कीजिएगा, मैं वाक्य पूरा नहीं कर पाया। दरअसल नारे के बीच में गाली का प्रयोग हुआ है और मेरी मजबूरी है कि मुझे मुस्कुराकर गाली देने की कला नहीं आती। खैर, आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता प्रवेश वर्मा ने दिल्ली दंगे से पहले एक भीड़ को संबोधित करते हुए कहा था, और उन्होंने क्या कहा था कि दिल्ली के शाहीन बाग पर जुटे लाखों प्रदर्शनकारी आपके घरों में घुसकर आपकी बहन बेटियों का बलात्कार करके उनकी हत्या कर सकते हैं। अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा जैसे भारतीय जनता पार्टी नेताओं के इस तरह के बयान, भड़काऊ जो बयान है, उसके बाद जो कुछ हुआ वो दिल्ली के दर्दनाक इतिहास में दर्ज हो चुका है। 50 से ज्यादा लोग दंगों में मारे गए थे। उसी मामले को लेकर अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के मामले में जो था वो सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही है। उसी सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश चंद्रधारी सिंह जी ने मासूम मुस्कुराहट के जज्बातों को अपनी जुबा दी। चुनावी भाषण में नेताओं द्वारा नेताओं के लिए कई चीजें कही जाती हैं और वह गलत है, लेकिन हमें किसी भी घटनाक्रम की आपराधिकता को देखना होगा। अगर आप कुछ मुस्कुराकर कह रहे हैं तो इसमें कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर आप आक्रामक तरीके से कह रहे हैं तो यह जरूर अपराध है। माननीय न्यायाधीश ने जिस मुस्कुराहट का जिस अंदाज में महिमामंडन किया है, वाकई वो काफी खास है। अपनी टिप्पणी में माननीय न्यायाधीश ने दो और शब्दों का खास तौर पर जिक्र किया है, ये लोग। दरअसल बीजेपी नेताओं पर आरोप है कि इन्होंने भीड़ को भड़काते हुए कहा कि ये लोग आपके घरों में घुसकर बलात्कार करेंगे और लोगों को मार देंगे। इस आरोप के जवाब में माननीय न्यायाधीश चंद्रधारी सिंह ने बड़ी मासूमियत से कहा कि ये लोग कहकर जिसको इंगित किया गया, आप कैसे जान सकते हैं कि ये लोग का अर्थ किसी खास समुदाय से है, यह किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं है, वे कोई भी हो सकते हैं, सीधे उकसावा कहां है, भाषण में सांप्रदायिक मंशा कहां है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह की एक और ज्ञान भरी बात काबिले गौर है। उन्होंने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि केवल चुनाव जीतने का इरादा और जनता को अपराध करने के लिए उकसाने का इरादा दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए आपको आपराधिक मंशा देखनी होगी। दोस्तों, मैं माननीय जज साहब की ज्ञान भरी गंगा में डुबकी लगाते हुए मुस्कुराने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी कोशिश कीजिए, अपने प्रयास में कितने सफल रहे ये जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते आपको कांग्रेस की प्रवक्ता श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत की कुछ अहम बातों को सुनाना चाहूंगा, उस पर गौर जरूर करिएगा।
नमस्कार। कुछ दिनों में हमारे न्यायालयों में ऐसा कुछ हुआ जिसने कुछ सवाल पूछने के लिए और चिंता व्यक्त करने के लिए मजबूर कर दिया। पहला वाक्य तो है जब कोर्ट ने कहा कि अनुराग ठाकुर जो भाजपा की केंद्र सरकार में अब मंत्री हैं, जिन्होंने गोली मारो सालों को का बड़ा नारा लगवाया था दिल्ली दंगों के दौरान, अगर नफरत की बात भी हंस के कही जाए, मुस्कुरा के कही जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कौन सी बात हुई? क्या कल को एक आदमी खंजर लेकर और पिस्तौल लेके आ जाए और कहते मैंने तो मुस्कुराते हुए कत्ल कर दिया तो कोर्ट यही पैमाना अपनाएगा? और दूसरी बात, अनुराग ठाकुर की इस बात को कहने के बाद दिल्ली में दंगे हुए थे, नफरत फैलाने का काम था ये? दूसरा काम जो कोर्ट ने किया, जो सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई जहां पर मुसलमान औरतों की सरेआम नीलामी करी जा रही थी, उस ऐप के फाउंडर्स और डेवलपर्स को बेल दे दी। और बेल देते वक्त ये कहा कि ये युवा है, इनका पहला अपराध है और इनके समग्र विकास के लिए इनका इतने दिन तक जेल में रहना ठीक नहीं है। तो क्या वो तमामों स्टूडेंट लीडर्स, वो तमामों युवा जो संवैधानिक तरीके से अपने हितों की रक्षा करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाहे वो सीएनआरसी के दौरान हो चाहे अदरवाइज हो, उनको जेल में रखने से उनका समग्र विकास नहीं रुक रहा है? आपने तो जेल में स्टैंड स्वामी जैसे व्यक्ति को रखा जब 85 साल से उम्र थे, जिनकी मृत्यु तक हो गई वहां पर। तो ये दो पैमाने क्यों हैं? और ऐसा करते वक्त, समग्र विकास की बात करते वक्त, क्या एक बार आपने सोचा कि इन औरतों पर क्या बीती होगी जिनकी नीलामी लगाई जा रही थी, जिनकी फोटो थी, जिनके नंबर थे वहां पर? उनकी अस्मिता, उनकी इज्जत का कोई मान सम्मान नहीं है? इस देश में क्या हो रहा है और हम कहां ले जा रहे हैं इस देश को, और कब तक और कहां तक ये चलता रहेगा? कर्नाटक में कहा जाता है कि मंदिर के बाहर जो अस्थाई स्टॉल लगते हैं मेले के दौरान, वो मुसलमान नहीं लगा सकते। अरे ये वो देश है जहां पर देवी माँ की प्रतिमा मुसलमान बनाता है, पूजते हिंदू हैं। गणेश उत्सव हम सब मनाते हैं, प्रतिमा शायद मुसलमान बनाता है। बनारसी साड़ी बुनने वाला बुनकर मुसलमान है, चढ़ाई देवी माँ पे जाती है। क्या कर रहे हैं हम इस देश का और कहां तक ये नफरत फैलेगी? We'll be right back.